ओके, वेरी गुड मॉर्निंग क्लास 9th। हाउ आर यू ऑल? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। एंड वेलकम बैक टू बायोलॉजी क्लास। दिस इज़ फॉर क्लास 9th। एंड सिंस टुडे आई एम गोइंग टू टीच टू क्लासेस मोर, फर्स्ट क्लास 6 एंड 7th। ओके, सो आप ये जो क्लास होगा हमारा 9th के लिए है। ओके, एंड वेलकम टू द बायोलॉजी क्लास इन विच एनिमल टिश्यू में हम पढ़ रहे थे अबाउट द हीमेटोलॉजी। ठीक है, हीमेटोलॉजी। ठीक है बच्चा, यहाँ पे देखते हैं। इससे पहले हम देखे थे फ्लूड कनेक्टिव टिश्यू के बारे में, जिसमें हम ब्लड और लिम्फ के बारे में पढ़े थे। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द हीमेटोलॉजी। ये जो एक पार्ट होगा ये नर्वस टिश्यू का ही एक पार्ट होगा। ठीक है, इसमें देखते हैं हम क्या होता है। इट इज द साइंस विच डील्स अबाउट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ ब्लड। ठीक है, ये ब्लड क्या कहता है कि इट इज द साइंस, ठीक है, विच डील्स अबाउट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ ब्लड। स्ट्रक्चर्स और फंक्शंस ऑफ ब्लड यानी कि जो रक्त है इसका संरचनात्मक और क्रियात्मक जो है अध्ययन करता है, उस विज्ञान को हम क्या कहते हैं, हेमेटोलॉजी। क्लियर है, इसे हम हेमेटोलॉजी कहते हैं। नाउ न्यूरोलॉजी। ओके, न्यूरोलॉजी ये क्या होता है इसको हम देखते हैं बच्चा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, हेमेटोलॉजी एंड न्यूरोलॉजी। अब कहता है इट इज द साइंस विच डील्स अबाउट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ नर्वस टिश्यू। ठीक है, नर्वस टिश्यू, ये नर्वस टिश्यू का अध्ययन करता है। ठीक है, ये संरचनात्मक और क्रियात्मक इसका किसका अध्ययन करता है, नर्वस टिश्यू का, इसे हम कहते हैं न्यूरोलॉजी। क्लियर है बच्चों, ये है न्यूरोलॉजी। इट इज द साइंस विच डील्स अबाउट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ नर्वस टिश्यू। नाउ अब नर्वस टिश्यू क्या होता है, ठीक है, नर्वस टिश्यू का अध्ययन जो विज्ञान करता है उसको हम कहते हैं न्यूरोलॉजी। लेकिन नर्वस टिश्यू क्या होता है वो हम देखते हैं। ओके, देखते हैं, आइए। इट इज दैट सेंसेस स्टिमुलाई, मतलब ये टिश्यू नर्वस टिश्यू इज दैट सेंसेस स्टिमुलाई एंड देन ट्रांसमिट्स द सिग्नल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द एनिमल टू अनदर। ठीक है, ये क्या कहता है कि स्टिमुलाई को सेंसेस करता है, ठीक है, एंड देन ट्रांसमिट्स द सिग्नल। ये क्या करता है, स्टिमुलस क्या होता है, स्टिमुलाई इज द सेंसिटिव पार्ट। ओके, सेंसिटिव पार्ट होता है, ये सेंस क्रिएट करता है और एंड देन ट्रांसमिट, इसको क्या करता है, ट्रांसमिट करता है, ठीक है, द सिग्नल्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द एनिमल टू अनदर। ठीक है, एनिमल के एक भाग से स्टिमुलाई को ट्रांसफर करता है, एक सिग्नल प्रोवाइड करता है, ठीक है, एनिमल के एक अंग से दूसरे अंग तक। ठीक है, एंड फ्रॉम कह रहा है ना कि द सिग्नल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द एनिमल टू अनदर। क्लियर है, नेक्स्ट क्या कहता है यहां पे, आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। ओके, नाउ हम आगे देखते हैं। फर्दर इट इज सेइंग दैट द न्यूरॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस टिश्यू। ये यहां ध्यान देंगे आप लोग, ये टर्म इंपॉर्टेंट है। कहता है द न्यूरॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ, क्रियात्मक, ठीक है, फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस टिश्यू। ये नर्वस टिश्यू का जो न्यूरॉन होता है वो फंक्शनल यूनिट होता है। ओके, और द नर्व सेल, ठीक है, या फिर नर्व सेल, नर्व की जो कोशिकाएं होती हैं नर्वस टिश्यू कहलाती हैं। ठीक है, बड़े पैमाने पे, और इसका जो फंक्शनल यूनिट क्या होता है बच्चा, वो होता है न्यूरॉन। क्लियर है, ओके, विच इज स्पेशलाइज्ड इन ट्रांसमिटिंग सिग्नल्स कॉल्ड नर्व इम्पल्सेस। अब ये कहता है विच इज स्पेशलाइज्ड इन ट्रांसमिटिंग, इसका विशेष काम क्या है, विशेष काम ये है कि ट्रांसमिट सिग्नल ट्रांसमिट करता है, ठीक है, जिसको हम नर्व इम्पल्स कहते हैं। ये जो सिग्नल ट्रांसमिट करता है, ठीक है, न्यूरोन, उसे हम क्या कहते हैं, नर्व इम्पल्सेस। ओके, ये नर्व इम्पल्सेस होता है। अब कहता है बच्चा न्यूरॉन, ओके, न्यूरॉन क्या होता है, न्यूरॉन हम देखेंगे व्हाट इज न्यूरॉन। अब यहां तो आपको समझ में आ गया होगा
कि जो वो न्यूरॉन, ठीक है, एक नर्वस टिश्यू का फंक्शनल यूनिट है, ओके। एंड यहाँ कह रहा है कि उसका स्पेशलाइज्ड काम क्या है, वो सिग्नल प्रोवाइड करता है, ट्रांसमिट करता है, जो कि हम नर्व इंपल्स से जानते हैं, ओके। अब कहता है न्यूरॉन क्या होता है, दिस कंसिस्ट ऑफ सेल बॉडी एंड टू और मोर एक्सटेंशंस। क्या कह रहा है कि दिस कंसिस्ट ऑफ सेल बॉडी, ठीक है, ये सेल बॉडी से बना होता है, ठीक है, न्यूरॉन सेल के बॉडी से, सॉरी, हाँ, सेल बॉडी से बना होता है न्यूरॉन, एंड टू और मोर एक्सटेंशंस, इसके दो और एक्सटेंशंस हैं जिसको हम कहते हैं डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन्स, ओके। यहां देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये है डेंड्राइट्स, ओके। टू मोर एक्सटेंशंस हैं हमारे, ठीक है, न्यूरॉन के, वो होता है डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन्स। नाउ अब कह रहा है कि द डेंड्राइट्स ट्रांसमिट एन इम्पल्स, द डेंड्राइट्स ट्रांसमिट एन इम्पल्स दैट इज सेंट टुवर्ड्स द सेल बॉडी। अब क्या कहता है कि डेंड्राइट्स क्या करता है, इम्पल्स ट्रांसमिट करता है, इम्पल्स मीन्स व्हाट, नर्व इम्पल्सेस, ओके। द डेंड्राइट्स ट्रांसमिट एन इम्पल्स दैट इज सेंट टुवर्ड्स द सेल बॉडी, और ये बॉडी के सेल में क्या करता है, भेजता है, क्या, डेंड्राइट्स, ओके। द डेंड्राइट्स ट्रांसमिट एन इम्पल्स, इम्पल्स मीन्स व्हाट, सिग्नल, ओके, वो सिग्नल जो कि हमारी नर्वस टिश्यू में जो न्यूरॉन होता है वो सिग्निफाई करता है, ठीक है, उसको हम नर्व इम्पल्स कहते हैं। अब कह रहा है कि ये इट इज इम्पोर्टेंट टू नोट दैट न्यूरॉन डू नॉट डिवाइड एंड फॉर्म। कह रहा है कि यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना बेहद आवश्यक है कि न्यूरॉन जो होता है वो डिवाइड नहीं होता है, क्या होता है, उसमें डिवीजन नहीं होता, लेकिन एंड फॉर्म शॉर्टली आफ्टर बर्थ, ठीक है, और जन्म के तुरंत, शॉर्टली आफ्टर बर्थ, ठीक है, ये क्या होता है कि न्यूरॉन डिवाइड तो नहीं होता है, लेकिन जैसे ही जन्म होता है बच्चे का, ये क्या होता है, ये शॉर्टली हो जाता है, ठीक है, ये डू नॉट डिवाइड एंड फॉर्म शॉर्टली आफ्टर बर्थ। क्या होता है ये, बर्थ के तुरंत बाद ये क्या होता है, कंसिस्ट हो जाता है, ओके। तो डेंड्राइट जो होता है क्या करता है, इम्पल्स, वो इम्पल्स है जो कि सेल बॉडी में आपको ट्रांसमिट करता है। इट इज इम्पोर्टेंट टू नोट दैट न्यूरॉन डू नॉट डिवाइड, ये न्यूरॉन जो होता है डिवाइड नहीं होता है, और बर्थ के तुरंत बाद इसका जो सिग्नल्स होता है, इम्पल्सेज होते हैं, वो क्या होते हैं, बच्चों में शुरू हो जा बच्चों में कार्य करना शुरू कर देते हैं। नाउ आज आपने पढ़ा कि व्हाट इज हिमेटोलॉजी, जो कि वो साइंस है, डील्स अबाउट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ ब्लड, ब्लड की स्ट्रक्चर और फंक्शंस का अध्ययन करता है वो विज्ञान, उसे हम हेमाटोलॉजी कहते हैं। न्यूरोलॉजी क्या होता है कि जो कि नर्वस टिश्यू के बारे में हमारा स्ट्रक्चर और फंक्शंस अध्ययन करता है, उस विज्ञान को हम न्यूरोलॉजी कहते हैं। नाउ नर्वस टिश्यू क्या होता है, नर्वस टिश्यू इट इज दैट सेंसेस स्टिमुलाई एंड देन ट्रांसमिट्स द सिग्नल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द एनिमल टू अनदर, ठीक है, ये एक एनिमल के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ये क्या करता है, जो स्टिमुलाई होता है वो क्या करता है, एक सिग्नल के तौर पे भेजता है, जो कि न्यूरॉन है, ठीक है, और न्यूरॉन क्या है, एक फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस टिश्यू, इसका एक फंक्शनल यूनिट होता है न्यूरॉन, जिसको हम जब ये सिग्नल प्रोवाइड करता है अदर पार्ट ऑफ द बॉडी में, इसको हम नर्व इम्पल्सेस कहते हैं, ठीक है, और नर्व इम्पल्सेस। अब न्यूरॉन होता क्या है, तो न्यूरॉन आपने पढ़ा अभी, न्यूरॉन जो होते हैं वो सेल बॉडी से कंसिस्ट होता है, जिसके दो एक्सटेंशंस होते हैं, डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन्स, ओके। नाउ डेंड्राइट्स इज द डेंड्राइट्स क्या करता है, इम्पल्स ट्रांसमिट करता है, कौन सा, नर्व इम्पल्स, ठीक है, दैट इज न्यूरॉन, वो क्या करता है, नर्व इम्पल, द डेंड्राइट्स ट्रांसमिट एंड इम्पल्स दैट इज सेंट टूवर्ड्स द सेल बॉडी, और ये सेल बॉडी में क्या करता है, ट्रांसमिट करता है, ठीक है, और इट इज इम्पोर्टेंट टू नोट दैट न्यूरोन डू नॉट डिवाइड, ठीक है, न्यूरोन डिवाइड नहीं होता है एंड फॉर्म शॉर्टली आफ्टर बर्थ। ये आज हमारा टॉपिक रहा, एंड आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा ये, एंड क्लास 9th बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है। अब आपका ये चैप्टर्स इज गोइंग टू फिनिश, टिश्यू वाला जो चैप्टर होगा ये हम फिनिश कर रहे हैं आज, और अब हम डे बाय डे क्या करेंगे, इस पर एक्सरसाइजेस करेंगे, टिश्यू वाले चैप्टर का हम एक्सरसाइजेस करेंगे, आप फेयर कॉपी में आप लोग बनाते रहिएगा, ओके ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास, थैंक यू।